दोस्तों, आज मैं आपको ये चार कलर का खूबसूरत सा डोरमेट बनाना बताने जा रही हूँ। इसको मैंने 16 फंदे में बनाया है। आपको मेरा डोरमेट अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन जरूर दबाइए, इससे मेरे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिले। ये मेरे चार कलर हैं जिसका मैंने डोरमेट बनाया है। ये ब्लू है, रेड है, ग्रीन और वाइट। मैंने चार कलर का ये फ्लावर डिजाइन में डोरमेट बनाया है। बहुत खूबसूरत डोरमेट बन के तैयार हुआ है। और ये मैंने 16 फंदे का बनाया है। आप इसको कितना बड़ा और छोटा बना सकते हैं। और ये मैंने 8 फंदे ये ब्लू कलर से डाले हैं और 8 फंदे रेड कलर से डाले हैं। ये फंदे हैं। और आप जब भी फंदे डालें तो चार के सेट में डालें। इस डिजाइन में फंदे चार के सेट में ही पड़ेंगे। और ये देखिए, हम पहली लाइन पूरी उल्टी उल्टी, ये देखिए इस तरह से बनाएंगे। ये फंदे हम उल्टे उल्टे बीन लेंगे। देखिए हमने पूरे रेड वाले फंदे ये रेड कलर से बीन लिए पूरे उल्टे उल्टे। और ये इसको ऐसे करेंगे और ये ब्लू वाले को इसे खींच के टाइट करके बनाएंगे ये हम। और ब्लू वाले फंदे पूरा ब्लू कलर से बीन लिए। ये देखिए, ये ब्लू के हमने 1 2 3 4 5 6 और 2 फंदे हमने छोड़ दिए। 8 फंदे थे, 2 फंदे हमने छोड़ दिए। अब हम फिर से सीधी साइड में आ गए, ये देखिए इस तरह से। और ये हम बाकी फंदे हम बीन लेंगे, 2 फंदे ब्लू के छोड़ के, बाकी हम पूरे जो जिस कलर में है उस ब्लू को ब्लू कलर में बीनेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने ब्लू फंदे बीन लिए। फिर से इसको पीछे करेंगे और इसको क्रॉस में आगे खींच के टाइट करके लाएंगे, नहीं तो यहाँ पे जाली पड़ जाएगी। और ये रेड वाले फंदे रेड बनाएंगे। ये देखिए दोनों तरफ से हम धागे को खींच के बनाएंगे, यहाँ पे सफाई से बनाने तो जोड़ अलग अलग दिखेगा। और ये हम रेड के 1 2 3 4 5 6 फंदे हमने रेड के बीनेंगे और 2 फंदे हम इस तरफ रेड के छोड़ देंगे। ये देखिए इस तरह से। फिर से हम उल्टी साइड में आ गए, ये देखिए इसमें हम दोनों तरफ फंदे छोड़ते हैं, एक बार सीधी साइड में और एक तरफ उल्टी साइड में, दोनों साइड से हमें फंदे छोड़ने हैं। तो एक बार हम इसको सीधी साइड में छोड़ेंगे फंदे। ये देखिए हमने 2 फंदे इधर छोड़े और ये 2 फंदे इधर छोड़े। अब हम फिर से पूरी लाइन ऐसे बिनेंगे रेड वाली, देखिए पूरी बिन ली। और इस फंदे को ऐसे करेंगे और इसको हम टाइट करके कि फंदे, अब हम उस बार हमने 2 फंदे छोड़े थे, अब हम 2 फंदे फिर से छोड़ देंगे। ये देखिए अब हमने ये उल्टी साइड में 2 फंदे छोड़ दिए। और हम फिर से सीधी साइड में आ गए और सीधी साइड में ये हम ब्लू कलर बना लेंगे। ब्लू फंदे पूरे ब्लू से बिनेंगे। ये देखिए अब ब्लू के हमारे पास 4 फंदे हो गए हैं। ये देखिए इसको पीछे करेंगे और ये रेड वाले को खींच के आगे लाएंगे, इस तरह से क्रॉस करके आगे लाएंगे। और ये हम रेड के 1 2 3 4 फंदे बिनेंगे और 2 फंदे हम फिर से छोड़ देंगे और धागा यहाँ से घुमा के ले लेंगे। अभी हमारे दोनों तरफ 4-4 फंदे छूट गए, इधर भी 4 फंदे और इधर भी 4 फंदे हमने छोड़ दिए। ये देखिए और बाकी फंदे हम बीन लेंगे। ये देखिए हमारे रेड के अभी 4 फंदे हैं, इनको मैंने बीन लिया। फिर से इसको ऐसे करेंगे, एक खींच के टाइट रखेंगे और अब हम 2 फंदे फिर से ब्लू के छोड़ देंगे। तो अब हमने 2 फंदे बीन लिए और धागा यहाँ से घुमा के वापस, ये देखिए इस तरह से मैं नीचे की साइड भी 2-2 फंदे, अब मैं ये सीधी साइड में 2 फंदे ब्लू के बीने, ये देखिए इस तरह से। और धागा यहीं से घुमा के फिर से वापस आऊंगी। ये देखिए इसको क्रॉस करके खींच के टाइट बनेंगे और 2 फंदे हम इधर रेड वाले छोड़ देंगे सीधी साइड में। ये देखिए 1 2 अभी हमने दोनों ये फंदे रेड के छोड़ दिए, 1 2 3 ये हमने 2-2 के 3 सेट छोड़ दिए। अब हमारे पास ये 4 फंदे हैं, इन 4 फंदों को हम ऐसे ही पूरा, ये देखिए उल्टा उल्टा इस तरह से बीन लेंगे। ये देखिए अब हम यहाँ से बीन ले रहे हैं। अब ये हम 2 फंदे ये छोड़ देंगे ब्लू के। तो इस हर बार मैं ऐसे करती थी, इसको ध्यान से देखिए, इस तरह से करके ऐसे बीनती थी। इस बार मैं इसको उल्टा बीनूंगी, इसको ऊपर करूंगी और धागा यहीं से घुमा के इस साइड में आ जाऊंगी। ये देखिए ये हम पूरे इस साइड में आ गए
ये देखिए, अब हम ये रेड वाले पूरे फंदे बिन लेंगे। ये देखिए, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, जो हमने आठ फंदे बनाए थे वो हमने पूरे आठ फंदे बिन लिए। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे हम ना तीसरा कलर लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से, अब हम यहाँ पे व्हाइट कलर लगाएंगे। तो इसको ऐसे करेंगे, यहाँ से इस तरह से धागे को अंदर करके छोड़ देंगे और यहीं से हम व्हाइट कलर लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से, इसको दोनों को हम ऐसे बीन लेंगे। अब हम पूरे आठ फंदे व्हाइट से बीनेंगे। एक दो तीन चार पाँच छ सात और ये आठ, आठ फंदे हमने जो हमने रेड वाले थे वो पूरे फंदे बीन लिए। अब हम फिर से इसको ऐसे ही करेंगे और यहीं से धागा घुमा के फिर से हम सीधी साइड में आ जाएंगे। ये देखिए, और ये हम पूरा ऐसे सीधा जैसा है वैसे इसको खींच देंगे और सीधा जैसा है वैसे ही बना लेंगे पूरा उल्टा उल्टा। ये देखिए, ये देखिए हमने सीधी साइड पूरी बीन ली। अब हम फिर से उल्टी साइड में आ गए। ये देखिए, अब हम यहाँ पे एक फंदा बढ़ा देंगे इस तरह से। ये देखिए कि एक फंदा, एक फंदे का हमने दो बार बीन लिया, एक फंदा बढ़ा दिया फिर से सीधी साइड और ये पूरा हम उल्टा उल्टा बीनेंगे। ये देखिए, और ये हम दो फंदे व्हाइट के छोड़ देंगे और धागा यहीं से घुमा के सीधी साइड में आ जाएंगे और इसको पूरा हम सीधा जैसा है वैसे ही बनाना है हमें। ये देखिए पूरी लाइन, ये हमने ये देखिए पूरी लाइन बीन ली। अब हमें यहाँ पे दो लाइनें हमने व्हाइट की बीन ली, एक दो। अब हम यहाँ पे इस फंदे को ऐसे करेंगे, ये देखिए, और फिर को इसी में पिरो देंगे। यहाँ पे अब हम अपना ये चौथा कलर लगा रहे हैं। अब मैं यहाँ पे ग्रीन कलर लगाऊंगी और इस फंदे को ये देखिए इस तरह से एक और दो, इसको दो बार हम बीन लेंगे। ये देखिए इस तरह से, और इन दोनों को इस तरह से ये देखिए से कर देंगे और ये पूरी लाइन हम उल्टी उल्टी बीन लेंगे। ये देखिए, और ये दो फंदे हम फिर से छोड़ देंगे। इस बार हमने दो फंदे छोड़े थे, दो फंदे इस बार छोड़ देंगे और फिर से धागा यहाँ से घुमा के ये देखिए फिर उल्टी साइड में आ जाएंगे। ये देखिए पूरा हम सीधी साइड जैसी है वैसे मिल लेंगे। ये देखिए पूरा, अभी हमने दो फंदे बढ़ा दिए। अब ये हमारी, ये देखिए ये फंदा को फिर हम एक फंदे का दो फंदा करेंगे, एक ये देखिए इस तरह से दो, ये देखिए दो फंदे और बाकी फंदे हम बिन लेंगे, एक ये देखिए तीन फंदे हो गए और यहीं से हम वापस जाएं। ये देखिए ये फंदे एक दो तीन चार पाँच, ये पांच फंदे हो गए और हम दो फंदे ग्रीन के छोड़ देंगे इस तरह से। ये देखिए पूरे दो फंदे हम छोड़ देंगे और सीधी साइड। तो अब हमने ये दो लाइनें, ये देखिए रेड व्हाइट की बीनी और दो लाइनें हम ग्रीन की बीन रहे। ये देखिए ये इस तरह से बीनी। अब हमने हमारे यहाँ पे तीन फंदे हमने बढ़ा दिए हैं। अब उन तीन फंदों को हम हर सलाई में घटाएंगे। ये देखिए अभी मैं ये लाइन इस तरह से, ये देखिए ग्रीन से ही बीनूंगी मैं, ये दो फंदे का एक फंदा कर दूंगी। ये देखिए मैंने एक दो, दो फंदे का एक फंदा करूंगी, ये एक दो, और ये दो फंदे और हम ग्रीन के बीन लेंगे। तीन चार फंदे हो गए और ये पांचवा फंदा उतारेंगे और धागा यहाँ से घुमा के ले लेंगे, फिर से आगे साइड में आ जाएंगे इस तरह से और इसको हम पूरा उल्टा उल्टा बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से पूरा उल्टा उल्टा ये बना लिया। फिर से हम उल्टी साइड आ गए। ये देखिए अभी हमने
दो फंदे हमें भी ग्रीन के और बिनने हैं, इसलिए अब हम दो फंदे फिर से घटा देंगे। एक, देखिए, एक दो, ये दो फंदे घटा देंगे। अभी हमारे दो फंदे घट गए, जो हमने तीन फंदे बनाए थे अभी हमारे हर सलाई में एक एक करके फंदा घटाएंगे, तो अब हमारे पूरे दो फंदे घट गए, क्योंकि ये हमारी दूसरी सलाई है, ये हमने ग्रीन के पूरे फंदे बिन लिए। अब हम इस व्हाइट फंदा उतारेंगे और इसके एक फंदा उतारेंगे, उसके धागे इसके बीच से ऐसे घुमा के ले लेंगे और इसको बीनेंगे नहीं, उतार लेंगे और टाइट करके अगला फंदा हम बीन लेंगे पूरा। ये देखिए, अब हमने ग्रीन वाले पूरे फंदे, ये देखिए ग्रीन वाले हमने पूरे फंदे ग्रीन से बीन लिए। अब हम फिर से सीधी साइड में आ गए, उल्टी साइड में, और ये इस फंदे को ऐसे उतार के यहाँ कर देंगे। और ये अब हमको, ये देखिए, अब हमको व्हाइट कलर से बीनना है, जो हमने दो लाइनें व्हाइट की बीनी थी, अब हम दो लाइनें व्हाइट की बीनेंगे, फिर हम ये दो फंदे को एक कर देंगे। अभी हमने दो घटाए और एक फंदा हमारा रह गया। ये देखिए, हम इस फंदे को घटा देंगे, दो फंदे को एक साथ बीन दिया, ये घट गया एक फंदा, और ये पूरी लाइन हम ग्रीन वाली बीनेंगे और ये दो फंदे व्हाइट के, ये देखिए बीन लिए, और ये दो फंदे हम इसको उतारेंगे और धागा इधर से एक फंदा के बीच से, फिर इसको बीनेंगे नहीं, और ये फिर से हम उल्टी साइड में जैसे बीन लेंगे। अभी हमने जब से दो दो फंदे छोड़ते हुए यहाँ लास्ट तक गई थी, अब मैं वही दो दो फंदे लेते हुए पीछे की तरफ जा रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से पूरा उल्टा उल्टा बना देंगे। ये देखिए, पूरा एक लाइन हो गया। अब हमारे ये दो फंदे और रह गए हैं व्हाइट के, इस फंदे को उतारेंगे और धागा घुमा के लेंगे। अभी जो हमने तीन फंदे बढ़ाए थे, वो तीन फंदे हमने एक एक करके घटा दिए। अब हमारे ये पूरे आठ ही फंदे बचे हैं, एक दो तीन चार पाँच छ सात और ये एक आठ, आठ फंदे हो गए, जो हमने रेड वाले आठ फंदे बीने थे, वो हम दो दो फंदे यहाँ पे, दो फंदे दो लाइनें व्हाइट से तो चार फंदे, फिर दो लाइनें ग्रीन से, तो आठ फंदे घटा दिए। और यहाँ पे मैंने एक एक फंदा बढ़ाया था, वो हर लाइन में एक एक फंदा घटा दिया। अब ये हम फिर से इस धागे को ऐसे करेंगे, ये देखिए इस तरह से, और फिर यहाँ से घुमा के फिर से हम सीधी साइड में आ जाएंगे। ये देखिए इस तरह से, अभी हम, और ये पूरी लाइन हम व्हाइट की बिन लेंगे। ये देखिए, हमारी एक लाइन हुई थी, अब ये हमारी दो लाइनें पूरी व्हाइट कलर की हो गई। ये देखिए, हमने जो बनाई थी, अभी ये हमारी एक कली बन के तैयार हो गई है। ये देखिए, ये हमारी एक कली बन के तैयार हो रही है। अब हमारी यहां से दूसरी कली स्टार्ट होगी। ये देखिए इस तरह से, अब हम ये पूरे हमने जो फंदे हमने लिए थे, वो हमने यहाँ पे पूरे ले लिए व्हाइट के आठ फंदे। अब हम ये फिर से ये धागा ऐसे घुमा के ऐसे कर लेंगे। अब इस फंदे को आप चाहें तो साथ में बीनते चलें, या आप तोड़ के अलग से लगा सकते हैं। अब मैं फिर से रेड कलर के फंदे, ये देखिए, अब मैं ये रेड वाले पूरे रेड कलर से बीनूंगी। ये देखिए इस तरह से पूरी लाइन इस धागे खींच के टाइट कर देंगे और इसको इस तरह से। अब ये हम आठ फंदे जो हमारे रेड के थे वो बीन लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ। ये देखिए, हमने आठ फंदे बीन लिए। और फिर अब मैं इसको ऐसे करूंगी और इसको ग्रीन वाले को खींच के, और ये फंदे पूरे ये ब्लू वाले को खींच के बीनूंगी और इसको भी खींच दूंगी, तो यहाँ पे हमारे जाली नहीं पड़ेगी। और ये हम पूरी लाइन, ये देखिए, ब्लू की पूरी बीन रहे हैं। ये देखिए एक लाइन, और ये हम, ये देखिए, ये हम पूरी लाइन ऐसे हम बना लेंगे। ये देखिए पूरी लाइन बीन ली, ये हमने यहाँ तक। अब हम फिर से इसको सीधी साइड में पूरा ब्लू को ब्लू से, रेड्स को रेड से बनेंगे। और वैसे ये देखिए, इस तरह से मैं बना के दिखाती हूँ। ये देखिए, अब हमने ये पूरी लाइन बीन ली। अब सीधी सलाई पूरी, ये फंदा उतारेंगे और इसको खींच के ऐसे करेंगे, इससे हमारे बीच का सर्कल छोटा और सफाई से आता है। और ये पूरी लाइन हम इस तरह से सीधी सलाई उल्टी उल्टी बीन लेंगे, जो जिस कलर का है उसी तरह से बना लेंगे। ये देखिए पूरी लाइन हमने बना ली।
ये धागा इधर घुमा के फिर से ऐसे, और रेड वाला इसी तरह से टाइट करके लाएंगे। इससे हमारी ये पूरा बीन लेंगे जो जिस कलर में है। ये देखिए हमने रेड वाला रेड कलर से बीन लिया। अब हम यहाँ पे दूसरी कली रिपीट करेंगे। ये देखिए हमने पूरे बीन लिए लास्ट तक, जैसे हमने ये शुरू में फंदा डाला था। अब हमारी यहाँ पे दूसरी कली स्टार्ट होगी। तो अभी ये इस फंदे में हम ये फंदा उतारेंगे और ये पूरा लाइन इस तरह से बिनेंगे। और यहाँ पे हम दो फंदा छोड़ेंगे, फिर जैसे हमने शुरू में किया था यहाँ दो फंदे यहाँ दो फंदे, इसी तरह से हम हर लाइन में दो दो फंदे छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। ये देखिए इस तरह से अब हम सेम रिपीट करेंगे और इसी तरह से मैं बना के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने ये इतना डोरमेट बना लिया है सेम उसी तरह से जैसे मैंने बताया था, सेम रिपीट करके। अब ये देखिए मेरा कितना सुंदर डोरमेट बन के तैयार हो गया है। इसी तरह से अभी मैं पूरा आपको बना, तो इसी तरह से आप रिपीट करेंगे तो पूरा ये डोरमेट बन के तैयार होगा। आपको मेरा डोरमेट अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। नमस्कार।